एशियन पेंट स्मार्ट केयर वाइटेलिया एक लिक्विड वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है जिसे सीमेंट, कंक्रीट या प्लास्टर में मिलाया जाता है। स्मार्ट केयर वाइटेलिया के फायदे कुछ ऐसे हैं। इसकी जल अभेद्यता के कारण ये एक वाटरप्रूफिंग लिक्विड का काम करता है। ये पानी और क्लोराइड के प्रवेश को रोककर स्टील के सरियों को जंग लगने से बचाता है। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट और कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले पानी की बचत करता है। ये ऊंचे डोज में भी बेहतर मजबूती देता है। ये सुकड़न से होने वाली दरारों को कम करता है और दरार मुक्त सतह देता है। ये एक प्लास्टिसाइजर का काम करता है जिससे सीमेंट की सुकार्यता बढ़ती है। आइए स्मार्ट केयर वाइटेलिया की श्रेष्ठता के कुछ प्रमाण देखते हैं। दबाव क्षमता यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस तरह जांची जाती है। स्मार्ट केयर वाइटेलिया के साथ साधारण एडमिक्सचर के साथ और बिना कोई एडमिक्सचर से बनाए गए सीमेंट के क्यूबिकल ब्लॉक्स को कंप्रेशन टेस्ट मशीन में डाला जाता है। टेस्ट के नतीजे ये बताते हैं कि साधारण एडमिक्सचर ब्लॉक और बिना किसी एडमिक्सचर वाले ब्लॉक की तुलना में स्मार्ट केयर वाइटेलिया वाले ब्लॉक को तोड़ने के लिए सबसे अधिक कंप्रेसिव फोर्स लगता है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट केयर वाइटेलिया में सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने की क्षमता है। फ्लो टेबल टेस्ट सीमेंट की सुकार्यता की जांच है। ये टेस्ट साधारण सीमेंट और वाइटेलिया मिक्स सीमेंट के लिए किया जाता है। सीमेंट, रेत, पानी और स्मार्ट केयर वाइटेलिया को सही मात्रा में मिलाकर टेस्ट मिश्रण बनाया जाता है। सीमेंट के मिश्रण को कोनिकल सांचे में डालकर मशीन को ऑन किया जाता है। मशीन सीमेंट के ढेर पर फोर्स डालती है जिससे सीमेंट फैलने लगता है। 25 दोहराव के बाद मशीन को ऑफ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइटेलिया मिक्स सीमेंट साधारण सीमेंट की तुलना में आसानी और समानता के साथ फैलता है। ये टेस्ट ये दर्शाता है कि वाइटेलिया की सुकार्यता के कारण इसे आसानी से लगाया और फैलाया जा सकता है। वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट कुछ इस तरह किया जाता है। स्मार्ट केयर वाइटेलिया मिक्स सीमेंट साधारण एडमिक्सचर मिक्स सीमेंट और बिना कोई एडमिक्सचर वाले सीमेंट से टेस्ट ब्लॉक तैयार किए जाते हैं। इन पर राइलम ट्यूब फिक्स करके तीनों ट्यूब्स में रंगीन पानी डाला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना मिक्सचर वाला सीमेंट ब्लॉक झट से पूरा पानी सोख लेता है और साधारण एडमिक्सचर ब्लॉक भी काफी पानी सोख लेता है, जबकि वाइटेलिया मिक्स सीमेंट ब्लॉक बहुत ही कम पानी सोखता है। राइजिंग वाटर टेस्ट कुछ इस तरह से किया जाता है। वाइटेलिया मिक्स सीमेंट और साधारण सीमेंट के टेस्ट ब्लॉक्स को एक पेट्री डिश में डाला जाता है जिसमें पानी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साधारण सीमेंट ब्लॉक झट से और तेजी से पानी सोख लेता है, जबकि वाइटेलिया ब्लॉक बहुत ही कम पानी सोखता है। स्मार्ट केयर वाइटेलिया के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है। सीमेंट मिक्सर को पहले पानी से साफ करना चाहिए ताकि बचे खुचे सीमेंट के टुकड़े निकल जाएं। फिर सीमेंट और रेत के मिश्रण को डिजाइन अनुसार मिक्सर में डालकर 1-2 मिनट तक सूखी अवस्था में मिलाइए। फिर सूखे मिश्रण में 50-60% गेजिंग पानी डालकर इसे 2-3 मिनट तक फिर से मिक्सर में मिलाइए। स्मार्ट केयर वाइटेलिया के कंटेनर को इस्तेमाल से पहले अच्छे से हिलाना जरूरी है। फिर बचे गेजिंग पानी में वाइटेलिया को सही मात्रा में मिलाइए। हर 50 किलो सीमेंट के लिए 100 ml वाइटेलिया का इस्तेमाल करना चाहिए। वाइटेलिया और पानी के इस मिश्रण को मिक्सर में डालकर फिर से 2-3 मिनट तक इसे मिक्स कीजिए। फिर इसे साधारण प्लास्टर की तरह ही सतह पर लगाइए और फिर अच्छी कंस्ट्रक्शन विधि के अनुसार सूखने दीजिए।